लड़के फिर आ गए साथ। कांग्रेस और सपा में आखिर कैसे बनी बात? किसने रची इस गठबंधन की रूपरेखा? पहले बिगड़ा था सपा का काम, फिर कैसे हो गए तैयार? क्या ये मोदी का डर है जो अखिलेश राहुल को ले आया साथ? राहुल गांधी और अखिलेश यूपी के दो लड़कों का दौर तो आपको याद ही होगा, जब ये दोनों गलबहिया कर एक दूसरे के साथ रैलियां पर रैलियां कर रहे थे। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव की ये बात है। लेकिन जब 2017 यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे, तब शायद अखिलेश को राहुल की पार्टी से घृणा हो गई थी। कांग्रेस के चक्कर में सपा की भी सीटें नहीं आ पाई। लेकिन अब जब कांग्रेस को मोदी का सामना करने के लिए अपने साथियों का ही सहारा नहीं मिल पा रहा है, अखिलेश से जयंत चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर ने किनारा कर लिया है, वहीं इंडी गठबंधन में कांग्रेस के साथ शामिल दल भी जैसे तितर बितर हो गए हैं, तो यूपी के इन दोनों लड़कों ने फिर एक बार साथ आकर मोदी को सत्ता से गिराने का सपना देखा है। वैसे इसका मतलब ये भी निकलता है कि ना सपा और ना ही कांग्रेस, दोनों में मोदी का अकेला सामना करने का साहस नहीं बचा है। वैसे ही जो साथ आने का फैसला हुआ, इसकी रूपरेखा आखिर किसने तैयार की है? कौन है वो जिसने इन दोनों को साथ आने के लिए मनाया है? प्रियंका गांधी। जी, प्रियंका गांधी ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दूरियों को कम करने वाला पुल बनी है। उन्होंने ही अखिलेश यादव को फोन कर लोकसभा चुनाव से पहले इस गठबंधन की रणनीति सेट की है। अखिलेश यादव ने यूपी के दो लड़कों के इस गठबंधन पर कहा है, हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, गठबंधन होगा, जल्द ही सारी चीजें साफ हो जाएंगी, बाकी चीजें तो पुरानी हो गई हैं, अंत भला तो सब भला। फिर अखिलेश यादव ने यह भी कहा, समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए, समय आने पर लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। दोनों दलों की राज्य इकाइयों ने गठबंधन की घोषणा कर दी है। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। दोनों ही पार्टियों के बीच 3 सीटों पर दावेदारी को लेकर पेच फंसा हुआ था। हालांकि अब लगता है जैसे दोनों दलों के बीच में सब कुछ सेट हो गया है। अखिलेश ने कहा भी था कि सीट शेयरिंग के बाद न्याय यात्रा का हिस्सा बनेंगे, तो क्या अब अखिलेश यादव राहुल गांधी की न्याय यात्रा में भी नजर आएंगे? क्योंकि सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की बहन और यूपी में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के कहने पर राहुल और अखिलेश के बीच में लोकसभा चुनाव के लिहाज से बात बन गई है। सूत्रों के मुताबिक राहुल से बात करने के बाद अखिलेश यादव से प्रियंका गांधी ने बात की है, जिसके बाद कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट की मांग भी छोड़ दी है। कांग्रेस ने दो बदलावों की मांग की है। हाथरस में समाजवादी पार्टी की वापसी के बजाय सीतापुर सीट मांगी है। श्रावस्ती को लेकर बुलंदशहर या मथुरा छोड़ने पर भी सहमति बन गई है। सपा वाराणसी में अपना उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन शायद कांग्रेस ने सपा उम्मीदवार वापस लेने का अनुरोध भी अखिलेश से कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गठबंधन कैसे ठीक से चल पाता है। 2017 में जो दोनों दलों की यूपी विधानसभा चुनाव के बाद हालत हुई थी, उसे देखकर तो लगा ही था कि कांग्रेस और सपा के बीच में भविष्य में अब कोई बात नहीं बन पाएगी। लेकिन मोदी का खौफ क्या नहीं करवा सकता, मोदी से अकेले लड़ने का मादा शायद कोई नहीं जुटा पा रहा। तभी तो सपा और कांग्रेस के बीच में अलायंस हुआ है। 2017 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, यूपी के दो लड़कों के सामने बीजेपी की हुई थी ऐतिहासिक जीत। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी प्लस को कुल 325 सीटें मिली थी। इसमें से बीजेपी ने 384 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 312 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी गठबंधन की दो अन्य पार्टियों में अपना दल ने 11 सीटों में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी और भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी ने 8 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और सपा ने साथ में ये चुनाव लड़ा था, जहां से यूपी के दो लड़कों वाला स्लोगन काफी मशहूर हुआ था। इस सपा कांग्रेस के गठबंधन को तो जैसे जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था। सपा कांग्रेस गठबंधन के खाते में 54 सीटें गई थी, जबकि कांग्रेस को इनमें से सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली थी। उस वक्त कांग्रेस ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि समाजवादी पार्टी ने 311 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई थी। बसपा के खाते में सिर्फ 19 सीटें गई थी, जबकि 403 सीटों पर मायावती ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। अब मायावती तो आज भी अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही हैं, लेकिन सपा कांग्रेस में लग रहा है जैसे मोदी के विरोध में बात बन गई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस बार ये गठबंधन कोई कमाल कर पाएगा? क्या इस बार इस गठबंधन को मोदी को हराने का कोई रास्ता मिल पाएगा? क्या इस बार यूपी के इन दो लड़कों का कोई जादू चल पाएगा? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।